हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए गाइस। मैं डेली वीडियो ब्रावस्टार के डालता हूँ और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। गाइस, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट ब्रावलर के बारे में। तो आप 5 ब्रावलर के बारे में मैं आपको उस गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। आज के एपिसोड बहुत ही बड़ा होने वाला है गाइस। मेरा एक क्लब है वालवरिन नाम का, उसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम मिलके खेलेंगे और ट्रॉफी भी पुश करेंगे गाइज। और अगर आपको कोई शिकायत होगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज। मैं आपको टॉप 5 बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला गाइज। पूर्ण जो भी लास्ट तक वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम आया तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। मैं फर्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ नीता का गेम प्ले। नीता का गेम प्ले स्टार्ट हुआ है जेम ग्रैब इवेंट में, मैं खेल रहा हूँ गाइज। सामने वाला भी बहुत ही बढ़िया ब्राउलर है और टीममेट खेलना होगा गाइज। अभी स्टार्ट किया है, मैं अभी डाइव हो चुका हूँ गाइज और मेरे साथ स्पाइक और दूसरा एक नाम मालूम नहीं उस ब्राउलर का गाइज। अभी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या होता है। वो पैम भी आगे वाला है, उसको किल किया मैंने इजीली क्योंकि पैम की जो भी शूटिंग रेंज है कम है और लॉन्ग रेंज के लिए काम नहीं करता। और मेरा जो नीता है बहुत ही बढ़िया डैमेज करता है, नज़दीक के लिए बहुत ही अच्छा है और स्पेशली जेम ग्रैब के लिए बहुत ही बढ़िया है। और उसका जो भी सुपर एबिलिटी है, बेबी छोड़ता है, बियर बेबी छोटा छोड़ता है और वो बढ़िया डैमेज करता है। 3000 या 4000 के पास उसका हिट पॉइंट भी रहता है गाइज। और मेरे टीममेट में एक स्पाइक ब्रावलर है, मुझे बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है और एक बहुत ही अच्छा काम करता है। एक कैक्टस, स्मॉल कैक्टस छोड़ता है, देखो अभी छोड़ा है और वो उसमें जो भी एनिमी आएगा उसको किल हो जाएगा, उसका हेल्थ कम हो जाएगा गाइज। हम जितना जाए उतना हम डाई हो जाए, कोई मत डरिए गाइज। आगे जाके सबको किल करना है। और आप अगर आप सबसे ज़्यादा जेम्स कलेक्ट करने वाले हो गए तो आपको क्या करना होगा, कहीं तो आके आपको छुपना होगा क्योंकि आपको कोई किल कर जाएगा तो जो भी जेम्स आपने कलेक्ट कर दिए वो आपके रिटर्न ले जाएगा। सर सेकंड में गेम प्ले दिखाने वाला हूँ बार्ले का। बार्ले बहुत ही बढ़िया है और टीममेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, टीममेट खेलने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर है। और मैंने टीममेट के लिए स्पेशली मैं उसे यूज़ करता हूँ। और सोलो खेलेंगे, अगर सोलो शोडाउन खेलेंगे तो उतना कारगर नहीं क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रॉपिक है 1000 या 1000 के ऊपर आप बार्ले यूज करेंगे तो उतना खासा ट्रॉपिक पुश के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हेवीवेट के जो भी ब्रावलर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा गाइज, बहुत ही बढ़िया काम करता है और मैं स्पेशली उसे यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही टीममेट के लिए अच्छा है। और अगर आपने जो भी पार्टनर है दो वो अच्छा आएगा, अगर वो हेवीवेट या लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए आएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा गाइज। तो मैं सबसे ज़्यादा जेम ग्रैब भी खेलता हूँ क्योंकि 3v3 खेलने में मज़ा भी आता है। और आपको क्या करना होगा, अगर आप जितने ज़्यादा जेम्स कलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे सर। अगर आप जेम्स कलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इधर भागना होगा, भाग भाई भाग 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 भाग। अभी मैंने अभी 8 जेम्स कलेक्ट कर लिया है और मेरे पीछे जस्सी लग गया, जस्सी को मारो, जस्सी को मारो गाइज। अगर जस्सी को नहीं मारेंगे तो मुझे किल कर देगा और मैं किल हो जाऊंगा तो जितने भी जेम्स है वो कलेक्ट करके वो विन हो जाएंगे गाइज। जल्दी भागो, मेरे साथ बहुत ही बढ़िया एल प्रीमो है और बार्ले भी है सेकंड। तो मेरे हम दो बार्ले है तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, दो बार्ले और एक एल प्रीमो। एल प्रीमो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बॉक्सिंग चैम्पियन है गाइज। मैं आपको थर्ड गेम प्ले दिखाने वाला हूँ पोको के साथ, पोको हिलर। पोको बहुत ही अच्छा है गाइज, जल्दी जल्दी भागो। और सबसे जो भी जितना हो सके उतना आपको क्या करना होगा, जेम्स कलेक्ट करना होगा और जेम्स कलेक्ट करके उसे आपको रिटर्न आना होगा। अगर आप सामने सामने जाएंगे तो आपको किल हो जाएंगे और जितने आप
जेम्स कलेक्ट किया होगा उतना भी आपको बेनिफिट होगा। और अगर जेम्स ज़्यादा हो गए तो आप थोड़ा संभल के खेलिए खेलिए, अगर आप आगे आगे जाएंगे तो आपको किल हो जाएगा। आप जब भी आप देख रहे होगे कि मैं कितनी हेल्थ कम हो चुकी है मेरी, अगर मुझे कोई किल कर देता तो मेरे जितने भी जेम्स है वो ले लेता, और उसके जो भी आगे वाले जो भी है और लॉन्ग रेंज के लिए। अभी देखा मैंने हीलिंग पावर भी यूज की है उसकी सुपर एबिलिटी, और इसलिए ये पोको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 3v3 में चलने वाला ब्रावलर है और सबसे अच्छा भी है। हीलिंग पावर भी है उसकी और उसका डैमेज पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज भाग 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 पोको भाग पोको भाग पोको भाग डायनामाइट मेरे पीछे लग गया है। पोको भाग पोको भाग 9 सेकंड 8 सेकंड 7 सेकंड पोको भाग गाइज, उसको डायनामिक को किल कर दिया और मुझे भी किसी ने किल कर दिया। यहाँ पे मैच विन होने वाला था 1 सेकंड में 2 सेकंड में और मेरे जितने भी जेम्स है वो लेके भाग गया। गाइज फिर से मैंने उसे किल कर दिया और फिर से मैंने जेम्स कलेक्ट कर दिया और भाग भाई भाग पोको भाग पोको। अगर पोको नहीं भागेगा तो विन होने की चांसेस कम हो गए। गाइज फिर से वो आ गए मेरे मुझे किल करने के लिए क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जेम्स हैं। भाग पोको भाग, मैं अभी कहीं तो जाके छुपता हूँ क्योंकि अगर मुझे किसी ने मार दिया तो जेम्स मेरे हाथ से जाएंगे। गाइज हम फिर से विन हो चुके। गाइज मैं फोर्थ गेम प्ले दिखाने वाला बुल के साथ। बुल बहुत ही अच्छा है, हेवी वेट है और उसका हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है। मेरा अभी लेवल 4 का बुल है और सामने वाली भी टीम बहुत ही बढ़िया है। वो मैंने अभी पोको का गेम प्ले दिखाया उसमें और मेरे आगे वाले एनिमी में भी एक पोको है उसमें, उसके साथ पैम भी है और एक बार्ले भी है। तो मेरे साथ ब्रॉक है और जस्सी है, एक बहुत ही अच्छी टीममेट है, टीम स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपको खेलना होगा तो एक हेवी वेट तो एक टीम में होना ही चाहिए। गाइस देखेंगे अभी बुल क्या करता है। बुल भाग भाग भाग, मार उसे मार उसे मार उसे मार उसे। ये हीलिंग वाला पोको है सामने आया है। गाइस जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो अच्छी तरह से खेलना है, और जो भी बुल है कि बुल की जो भी लॉन्ग रेंज ये पॉइंट ज़्यादा नहीं है और उसका शॉर्ट लेंथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप छिपके किसी के ऊपर वार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बुल भाग बुल भाग बुल भाग, उसे मार लो बार्ले को, मार लो मार लो मार लो, जल्दी मारो। गाइज ये भी मैच हमारे हाथ में है और इजीली हम विन हो जाएंगे। तो देखेंगे अभी पोको मेरे पास आ गया और उसे मैंने किल कर दिया और पैम को भी किल कर दिया। गाइज यही तो खासियत है बुल की क्योंकि बुल बहुत ही बढ़िया है और लॉन्ग रेंज के नहीं, अगर आपके नज़दीक कोई आ जाएगा तो उसे किल ईजिली कर सकेंगे। गाइज बहुत ही बढ़िया है और सोलो और 3v3 के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मैंने अभी फिफ्थ गेम प्ले है जस्सी के साथ। जस्सी का हेल्थ कम है लेकिन उसका जो भी शॉट है बहुत ही बढ़िया है और उसके साथ एक उसकी सुपर एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस फिर से किल कर दिया मुझे सेकंड टाइम और मेरे मेरे जो भी पार्टनर है बहुत ही अच्छे है। एक बो है एक पेनी है, तो पेनी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसका हिट पॉइंट ज़्यादा है, डैमेज पॉइंट करता बहुत ज़्यादा करता है। देखेंगे अभी मैच स्टार्ट हो चुका है, मैं अभी थर्ड टाइम डाई हो चुका है गाइस क्योंकि जितनी बार डाई हो जाऊंगा उतनी बार मैं रिटर्न आ जाऊंगा क्योंकि मुझे मैच विन होना है। अगर मुझे ट्रॉपिक करना है तो पुश करना है। देखेंगे उसके आगे वाली टीम में बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, देखते हैं क्या विन हो जाएंगे क्या नहीं। भाग 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 जैसी भाग जैसी भाग और मुझे किल कर दिया। 4 times मैं किल हो चुका है गाइस। यही तो प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपको जेम ग्रामी खेलना है तो अच्छा ब्रावलर के साथ आपको खेलना होगा और थोड़ा धीरज से खेलना होगा। अगर आप आगे आगे जाएंगे तो विन होना मुश्किल है गाइस। कितने सारे जेम्स इधर उधर पढ़ के रखे हैं लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई ले नहीं सकता क्योंकि मेरी हेल्थ कम है और मुझे मार दिया ब्रोक ने मार दिया। गाइस हमारे 9 gems है, अभी 10 हो चुके हैं। गाइस मैं आगे जाके थोड़ा देखता हूँ क्योंकि मुझे कोई मार दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसके पास जेम्स कलेक्ट कर दिया है उसे मार दिया कोई तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगा। गाइस फिर से किल कर दिया मुझे, तो देखेंगे अभी। ओ नो शेट, फिर से मेरे पार्टनर को किल कर दिया और मैं अभी लेके भागता हूँ जेम्स जितने हैं।
जे भाग 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 जैसी भाग और मेरे 12 मैंने 12 जेम्स कलेक्ट कर दिए गए। अभी मैं भाग रहा हूँ, जाने दो, अभी मुझे तो विन होना है। मैं अभी यहाँ के छुपता हूँ, तो कंफर्म मैच है गाइज, मैं विन होने वाला हूँ। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।